सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चुनाव आयोग ने अपनी साख को और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार दिए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपराधिक मामलों में दंडित होने के बाद चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किए गए नेताओं के लिए नई पार्टी बनाने या पार्टी में किस पद पर रहना है मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आयोग ने कहा कि वो पार्टियों का रजिस्ट्रेशन तो रद्द कर सकता है, लेकिन चुनावी नियम तोड़ने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का उसे अधिकार नहीं है। इसके लिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। आयोग ने जिस याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है उसमें सजायाफ्ता लोगों को पार्टी पदाधिकारी बनने या नई पार्टी बनाने से रोकने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि अगर कोई पार्टी आपराधिक केस में दोषी नेता को पदाधिकारी बनाए रखे तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।